पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर सीपीआई का बड़ा बयान। बिहार में 20 लोकसभा सीटों पर सीपीआई का प्रभाव है। भाजपा राष्ट्रीय सचिव अतुल आंचन का बयान, इंडिया में अब बने सीटों का समायोजन। समय आने पर सीट शेयरिंग को लेकर मांग रखेगी पार्टी और बिहार में संघर्ष तेज करेगी सीपीआई, अतुल आंचन की तरफ से कहा गया। आपको बता दें कि शनिवार को भाजपा बिहार राज्य परिषद की 2 दिवसीय बैठक हुई। इस बैठक में जन संघर्ष को तेज करने का आह्वान किया गया। राज्य परिषद की बैठक में 2 नंबर को गांधी मैदान पार्टी पटना में आयोजित भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली की तैयारी को लेकर योजना बनाई गई है। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय सचिव अतुल आंचन ने कहा कि पार्टी बिहार में संघर्ष तेज करेगी। 2 नवंबर की रैली होने वाली है जो बेहद ऐतिहासिक होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ संवाददाता अमन जुड़ चुके हैं। अमन, देखिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर सीपीआई ने बड़ा बयान दिया है कि बिहार में 20 लोकसभा सीटों पर सीपीआई का प्रभाव है और आगे भी इसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जी बिल्कुल शिवानी, भाकपा माले के सचिव हैं अतुल आंचन, उन्होंने ये बयान दिया है और कहा है कि बिहार में जो 20 लोकसभा सीट है उस पर भाकपा माले का प्रभाव ज़्यादा है और जब समय आएगा तो नीतीश सरकार से सीट शेयरिंग को लेकर भी बातचीत होगी, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में भाकपा माले का लगातार जो दबदबा बढ़ा है उसको लेकर लगातार वो बयान दिए हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार से इस पूरे विषय पर बातचीत भी की जाएगी। वहीं भाजपा को किस तरीके से हटाना है उसको लेकर भी 2 नवंबर को एक बड़ी रैली पटना गांधी मैदान से की जाएगी। भाकपा माले के तमाम विधायक नेता मौजूद रहेंगे इस रैली में और देश बचाओ भाजपा हटाओ आंदोलन के साथ इस रैली की शुरुआत होगी। लेकिन रैली से पहले नीतीश कुमार पे दबाव बनाने की कोशिश भाकपा माले कर रही है, क्योंकि नीतीश कुमार को पता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। सीट शेयरिंग को लेकर बहुत ही खींचतान देखने को मिलेगी। कांग्रेस अलग ही सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस अलग ही डिमांड करेगी, वहीं राजद का अलग डिमांड होगा क्योंकि राजद सबसे बड़ी पार्टी है, बड़े भाई की भूमिका में है। ऐसे में भाकपा माले के सचिव का यह बयान कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार को जिस तरीके से उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से हम बातचीत करेंगे सीट शेयरिंग को लेके, भाकपा माले के विधायक है, सीपीआई के 2 विधायक भी हैं और सचिव ने जिस तरीके से बयान दिया है कि 20 लोकसभा सीटों पर हमारा प्रभाव है, तो सीधे मैसेज दिया जा रहा है कि 20 लोकसभा सीट पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखने वाली बात है कि कितनी सीट उन्हें मिलती है, लेकिन अभी संयोगी के रूप में वो हैं भाकपा माले। और ऐसे में जब सचिव का ये बयान आता है तो क्या नीतीश कुमार इस पे किस तरीके का विचार करते हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है। नीतीश कुमार विपक्ष को एक साथ गोलबंद करने में लगे हुए हैं, सभी विपक्ष एक साथ एक मंच पे आ रहे हैं। आने वाले समय में मुंबई में बैठक भी होनी है और जिस तरीके से भाकपा माले के सचिव ने अतुल आंचन ने ये कहा है कि पूरे देश में 40 से 45 सीटों पे भाकपा माले चुनाव लड़ेगी, वहीं बिहार को लेकर उन्होंने 20 सीट का जिक्र किया है। तो अब देखने वाली बात है कि क्या नीतीश कुमार इस पे किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया देते हैं, क्या नीतीश कुमार इस पे क्या निर्णय लेते हैं और आने वाले समय में सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ फॉर्मूला बैठता है। शिवानी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमन इन तमाम जानकारियों के लिए।